एकदम बढ़िया, जितना पैकिंग हो सकता है उस हिसाब से ये सामान जितना भी है पैक करके मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो आप लोगों के ब्लेसिंग्स के वजह से ये सारे चीज़ हो रहा है गाइस, क्योंकि कुछ दिन पहले जब एक रूम टूर करवाया था उस टाइम पे हमारे पास ये सीलिंग कुछ नहीं था। ठीक है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, एंड आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस, अभी शाम के वक्त हो रहा है और आज का जो व्लॉगिंग का शुरुआत है ना वो दिन में ही हो चुका है। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है, जो बेंगल्स रखने वाला सेक्शन है, उसको मैंने जो है डेकोरेट किया है आज थोड़ा। ठीक है, तो कैसे सजाया वो देख लो आप पहले। सो गाइस, फिलहाल जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये है सेक्शन। तो ओवरऑल कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद कुछ अलग दिख रहा था, जो भी सामान वगैरह लाया ना मैं, तो इसको एकदम बढ़िया जितना पैकिंग हो सकता है उस हिसाब से ये सामान जितना भी है पैक करके मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो नेल पॉलिश यहाँ पे जितना भी सारा था वो इस सेक्शन पे पूरा लोड करके रख दिया है, और जगह नहीं है इसमें। लिपस्टिक ये वाले सेक्शन में है, बीच में थोड़ा सा बैंगल्स रख दी, और जितना भी गोल्डन कलर का है आइटम तो वो सारे देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये सारे यहाँ पे रखा हुआ है। एंड ये वाले जो बैंगल्स है, दुल्हन चूड़ा सेट वगैरह, ठीक है, ये लाइट की वजह से शायद आप लोगों को थोड़ा दूसरा दिख रहा होगा, ये यहाँ पे रख दिया हुआ है। और नीचे वाला ये सेक्शन तो पता ही है, और फिलहाल जो है ये वाला रेक कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर हम ओवरऑल बात करें बाहर से लुक का, तो इस प्रकार का कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये कुछ लाइट आ रहा है, तो इस प्रकार से जो है ये दिख रहा है, ओवरऑल जो है ये बाहर से दिखेगा। ठीक है, सो कुल मिला के ये तो रहा शॉप का हाल। ठीक है, और ब्लॉगिंग क्यों दिन में शुरुआत हुआ था वो आप खुद ही देख लो। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे देख सकते हो मिस्त्री जो है वो आ चुका है, और ये एसी बोर्ड का पैकेट है, तो इसी से आज हमारा सीलिंग बनेगा। तो सबसे पहले बाइक अंदर है यार, वो निकाल देता हूँ, नहीं तो काम करने में दिक्कत होगा। और ऊपर जो ये चादर देख रहे हो ना, टीन का शेड है गाइस, तो इससे क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे इससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और अभी जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो ठंड के मौसम में काफ़ी तेज़ ठंड लगता है। तो जिसकी वजह से क्या है, हमने थोड़ा थोड़ा पैसा हर रोज़ जमा करके कुछ 6000 जैसा जमा हुआ है, तो उसी से आज ये सीलिंग बनवा ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देख सकते हो लाइनें लग चुका है, और ये लाइन की वजह से ना, सीलिंग लगाने की वजह से थोड़ा रूम का जो हाइट है वो कम हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 15-20 मिनट बाद आप देख रहे हो चैनल वगैरह जो है वो लग कर रेडी हो चुका है। ठीक है, और ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ आगे का लुक देखने के लिए। सो असल में गाइस, यही होते हैं छोटे छोटे खुशियाँ। मतलब हम बिलो मिडिल क्लास लोग, अगर थोड़ा सा हमारे घर पे थोड़ा सा कुछ घर का काम होता है या कुछ नए चीज़ें आता है, तो अंदर ही अंदर ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। तो वो वाला सिचुएशन फिलहाल मेरा है, कांची का भी है, तो हम ज़्यादा बहुत खुश है। और इसमें कितना खर्चा आया वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, क्योंकि पहले शॉप जाना है। कांची पर क्यों नहीं पता नहीं बुला रही है। तो यार आजकल चिल्लर नहीं मिल पाता यार। ए सुबह जा से खुच रहा से 2:50 2:50, वो भी बहुत ढूंढ ढूंढ के लाया यार। गाइस पता नहीं क्यों है ना कांची, मार्केट से 10 रुपए और 50 रुपए का नोट, तो 50 रुपए फिर भी मिल जाता है, 10 रुपए 20 रुपए का नोट गायब ही हो गया है। कांची क्या बोलती हो तुम, इस विषय में तुम्हारा क्या राय है? कुछ भी नहीं है राय। कुछ भी नहीं है, तो तुम चाय पिलाओ। सो गाइस, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, इसका तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। चाय भी नहीं बना सकती हो? इतना भी तबीयत बुरा नहीं है कि चाय नहीं बना सकती हो, ठीक है ना। सो गाइस, तो देखो सीन अभी ऐसा है ना, मतलब दो बंदे आए थे जिन्हें, जैसे कि आपने वीडियो में देखे, सीलिंग लगाने के लिए। तो सीलिंग तो पूरा हमारा लग चुका है। अरे यार कांची, ये क्या हो गया? अरे कुछ भी नहीं यार, यहाँ पे खुल गया। क्या देख के नहीं लाते हो? तुम भी क्या बात करती हो यार, क्या इस पे और देखने वाली कौन सी चीज है ये? हाँ। ये पकड़ो, मेरे बिना कुछ होगा कि नहीं होगा, देखो गाइस। A few moments later. So, दोस्तों आखिरकार फाइनली सीलिंग लगी गया। कैसा लग रहा है रूम? बहुत बढ़िया दिख रहा है यार मुझे ये तो। असल में गाइस, पाई पाई पैसा जमा करके, मतलब खून पसीना मेहनत का पैसा जमा करने के बाद ये सीलिंग हम लगा पाए। लगभग हमें साल भर वेट करना पड़ा, बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आया जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त तो आया, सीलिंग लग गया आज। बहुत मतलब अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है सीलिंग देख के, वो नीचे ज़रूर कमेंट पे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट देख के।
सो गाइस, तो अभी वक्त हुआ है 8:10 या 15 और एज यू कैन सी मुझे ठंड लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने जैकेट लगा ली है। और अभी टाइम हुआ है शॉप का मंगल करने का। ठीक है, तो सबसे पहले शॉप मंगल कर लेते हैं और उसके बाद एक सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ क्या है थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, सो गाइस, शॉप का मंगल हो चुका है और ये रहा आज का सरप्राइज़। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो सरप्राइज़। वॉल्यूम कम करो टीवी का। कैसा लगा मेरा सरप्राइज, कैसा लगा, कैसा लगा? अभी मुझे मीठा उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे क्या बात करती हो गाइस, यार ये तो अलग ही हो गया ना। तुम तो चॉकलेट पाने से खुश हो जाती थी पहले, बहुत खाती थी, अभी उतना पसंद नहीं। अच्छा, खाती हो क्या उतना? नहीं, अभी तो उतना नहीं खाती हो। असल में गाइस, मैंने एक्चुअली सोचा कि चलो, जैसे कि हमारा ये घर का सीलिंग लग गया ना, तो हमारा छोटा छोटा खुशी है, ठीक है ना, तो ये खुशियों पे मैंने सोचा वाइफ के लिए थोड़ा सा कुछ स्वीट लाता हूँ। तो स्वीट एक्चुअली अभी शॉप हमारे इधर बंद हो चुका है, तो जिसकी वजह से क्या है, मैंने इसके लिए एक चॉकलेट शॉप गया था, तो चॉकलेट लेके आया। ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ, खाती हूँ, पर उतना पसंद नहीं है अभी इतना पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, ये प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ इसको पहले पसंद नहीं था ना गाइस, वो अभी ये ज़्यादा करके खा रही है। और जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे आप देख रहे हो चॉकलेट, पहले पाने से खुश हो जाती थी, अभी उतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे वाला सीन है। तो चलो, ये तो अलग पार्ट। तो अभी जो है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें ओवरऑल खर्चा कितना आया। ठीक है, और देखो अभी लाइट की वजह से जितना साफ दिख रहा है दिख रहा है। ये वाला जो है, ये टोटल एसी बोर्ड का है, जो हमारे शॉप में पहले लगा हुआ था वही है। और इसका जो लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, ये है 12x9 square feet का, और इसमें टोटल 9x12 यानी कि 108 square feet, और 108 square feet में 55 रुपये के हिसाब से उन्होंने रेट लगाया, कुछ 5,900 या कुछ ऐसा तो बताया। तो टोटल ओवरऑल बार्गेनिंग करके 5,700 रुपये का मुझे ये ओवरऑल जो है कॉस्ट पड़ा। ठीक है, और ये मतलब आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही, जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही सिंपल है, लगभग कितना, 2.5 घंटा, 2 या 2.5 घंटे में जो है ये सीलिंग जो है पूरा लग के कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों के ब्लेसिंग्स के वजह से ये सारे चीज़ हो रहा है गाइस, क्योंकि कुछ दिन पहले जब एक रूम टूर करवाया था, उस टाइम पे हमारे पास ये सीलिंग कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट की भैया जल्दी जल्द हो, मतलब जल्द से जल्द हो जाएगा, तो आज फाइनली ये हो गया। तो इस वजह से हम बहुत खुश है। आप लोग ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहो, प्यार बनाए रखो, और भी आगे अच्छा अच्छा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, और हमारे लाइफ में जो भी इंप्रूवमेंट होता है या जो भी चीज़ें होता है आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। सो होप कर दो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे कल नए वाला ब्लॉग में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ये देख सकते हो, ये CCTV का हाल देख सकते हो। ठीक है, ये देखो इतना ज़्यादा धूल हो चुका है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, देख रहे हो, तो इस धूल की वजह से ना, मैंने यहाँ पे जितने भी सारे मेरे नेल पॉलिशेस, जितने भी सारे नेल पॉलिशेस वगैरह था, वो मैंने इस साइड पे रख दी।